फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक रही सुर्खियों में। विवादों में फंसी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ा झटका लगा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने पूजा खेडकर को अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके अलावा खेडकर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। पूजा पर आरोप है कि ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने उन सुविधाओं की मांग की जिनकी वो हकदार नहीं थी। इसके अलावा उन पर एक वरिष्ठ अधिकारी के चैंबर पर कब्जा करने और अपने पद का बेजा दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। केरल के वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हादसे में मृतकों की संख्या 176 पहुंच गई है जबकि घायलों की संख्या भी सैकड़ों में है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात टीम का कहना है कि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। वहीं वायनाड में आए लैंडस्लाइड को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में बयान दिया। आरोपों पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि वार्निंग सिस्टम को दोष देना गलत है। केरल को पहले ही चेतावनी दी गई थी जबकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली थी। वहीं खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का वायनाड दौरा स्थगित कर दिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। वायनाड का मौसम एक बार फिर से बिगड़ गया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद राहुल और प्रियंका का वायनाड दौरा टल गया। वायनाड में आई आपदा के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की वजह से 176 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग हादसे में हुई दुर्घटना के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार शहर में संचालित कोचिंग सेंटर्स को रेगुलराइज करने के लिए कानून लाएगी। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कोचिंग सेंटर्स पर वो कानून लाएगी जिसके लिए कोचिंग सेंटर्स की एक कमेटी भी बनेगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स का अतिक्रमण हादसे का जिम्मेदार है। बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध थी। आपको बताएं कि बीते हफ्ते कोचिंग सेंटर की इमारत में बेसमेंट में बारिश का पानी भरने के कारण 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 बार सांसद और संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुके संतोष गंगवार झारखंड के गवर्नर बना दिए गए हैं। आज उन्होंने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने बुके देकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के दौरान भारत का वित्तीय घाटा 1,35,000 करोड़ रुपए रहा। यह वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय घाटे के टारगेट का 8.1% है। सालाना आधार पर पहली तिमाही में वित्तीय घाटा 4,51,000 करोड़ रुपए से घटकर 1,35,000 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान सरकार का कुल खर्च 9,70,000 करोड़ रुपए रहा जो पूरे वित्त वर्ष के टारगेट का 20.4% है। पिछले साल पहली तिमाही में सरकार का कुल खर्च 10,50,000 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में सरकारी खर्च में कमी आम चुनावों के चलते देखने को मिली है। जून महीने में भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट घटकर 4% पर आ गई है। उससे पिछले महीने यानी कि मई में कोर सेक्टर ग्रोथ 6.4% रही थी। एक साल पहले जून में कोर सेक्टर ग्रोथ 6% रही थी। 8 कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल जून अवधि में कोर सेक्टर का उत्पादन 5.7% बढ़ा है जबकि वित्त वर्ष की समान अवधि में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6% की दर से ये बढ़ा था। 8 कोर सेक्टर IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27% का योगदान करते हैं। मारुति सुजुकी ने अप्रैल जून तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 3,260 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की आय 32,327 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,530 करोड़ रुपए रही। कामकाजी मुनाफा भी 2,983 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,502 करोड़ रुपए पहुंच गया। मार्जिन सालाना आधार पर 9.2% से बढ़कर 12.7% रहा।
टाटा स्टील ने अप्रैल जून तिमाही के दौरान अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 51% बढ़कर 960 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये जी बिजनेस के अनुमान से कम है। इस दौरान जी बिजनेस ने 1155 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय घटकर 54,771 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 58,391 करोड़ रुपए का था। सालाना आधार पर एबिटा मार्जिन 8.7% से बढ़कर 12.2% रहा। कंपनी ने कहा है कि वो सब्सिडियरी नीलाचल इस्पात में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ करीब 4.5 गुना बढ़ चुका है। निवेशक इसके लिए कल तक यानी कि 1 अगस्त तक बोली लगा पाएंगे। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा ने इस इशू का प्राइस बैंड 646 से 679 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 22 शेयरों का है, यानी कि निवेशक को कम से कम 14,938 रुपए निवेश करने होंगे। कंपनी भारत और विदेशों में फार्मा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। एकम्स फार्मा कई तरह के फॉर्मुलेशन की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए इसमें पैसे लगाने की सलाह दी है।